हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। कल हमने देखा कि AIRPM एक्सटेंशन क्या होता है, चैट जीपीटी में क्या क्या चेंजेस ये ला देता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले कि इस टूल का काम क्या क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसका यूज केसेस क्या है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि हर एक एग्जाम्पल आई होप आपको पसंद आएगा और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले, @GrowWithLehar। वहां पे डेली अर्निंग कंटेंट के साथ साथ डेली अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आते रहती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अभी कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी चलेंगे डायरेक्टली स्क्रीन पर, हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ढेर सारा ऑप्शंस मिल जाता है इस एक्सटेंशन के अंदर, चैट जीपीटी पूरा ही बदल जाता है। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या आपका यूज केसेस आ सकता है। तो पहला देख सकते हो आउटरैंक आर्टिकल है, सेकंड है फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। लेट्स सेलेक्ट दिस, हमने ये सिलेक्ट किया। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे लिखना है प्रॉम्प्ट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेक अ डाइट प्लान। तो कुछ ही सेकंड्स में ये लिखना चालू कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एसईओ कंटेंट हमने मांगा था, तो वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल के साथ आपका आ गया है। इंट्रोडक्शन भी आपको दिखा रहा है कि क्या क्या ब्लॉग में होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी आप टॉपिक दो, इसको आपको एसईओ कंटेंट मिल जाएगा। अभी जैसे कि आप नीचे देख सकते हो हेडिंग के साथ भी इसने लिख दिया है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स का ज़रूरत नहीं। आपको बस प्रूफ रीड करना है कि उसने क्या लिखा है, फिर नेसेसरी चेंजेस करना है इफ़ रिक्वायर्ड, वरना आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। अभी हम देखते हैं दूसरा, लेट्स गो टू कीवर्ड स्ट्रेटजी। कीवर्ड स्ट्रेटजी में आपको पूरा कीवर्ड्स दे देगा, आपको जो भी टॉपिक्स पे कीवर्ड्स चाहिए, रैंकिंग के लिए जो भी चाहिए ये आपको प्रोवाइड कर देगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, तो आपको कोई भी क्लोज नहीं करना है, कुछ भी दूसरा सर्च आपको नहीं करना है, आपको बस वेट करना है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर ही आपको टाइप करके दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे टाइपिंग चालू हो चुकी है और आपके सामने ही ये पूरा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है विद कीवर्ड क्लस्टर, कीवर्ड सर्च इंटेंट, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कीवर्ड स्ट्रेटजी वो आपको पूरा करके दे देता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की यहाँ पे भी आपको ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं दूसरे पे। अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, लेट्स सर्च YouTube। तो YouTube के रिलेटेड डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आपको आ जाता है, जैसे कि YouTube स्क्रिप्ट जनरेटर, ऑटोमेटिक YouTube टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर वीडियो। लेट्स सिलेक्ट दिस, यहाँ पे हम लिख के देखते हैं कुछ अर्निंग विथ चैट जीपीटी। तो लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या हमको ये बना के दे देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टाइटल उसने दे दिया है अर्न मोर विथ चैट जीपीटी द अल्टीमेट गाइड टू मेकिंग मनी ऑनलाइन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वीडियो का कंटेंट में क्या है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। ये सब सब हेडिंग्स है, इंट्रोडक्शन इज अ सब हेडिंग, वीडियो कंटेंट इज अ सब हेडिंग, उसके बाद बाकी कुछ कंटेंट्स आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो नीचे सोशल मीडिया लिंक्स भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पे लिंक हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ओन लिंक चिपकाना है, उसके बाद कॉल टू एक्शन, उसके बाद एडिशनल टैग्स एंड कीवर्ड्स भी दे दिया जो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद हैशटैग्स भी आ गया है जो आपको कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ढेर सारा और ऑप्शंस मिल जाता है यूट्यूब के लिए, दूसरे पेजेस भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ट्रांसफॉर्म योर यूट्यूब टैग्स इन वन क्लिक, ट्रांसफॉर्म योर यूट्यूब वीडियोस टू नेक्स्ट लेवल, ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इवन आपको यूट्यूब 30 सेकेंड शॉर्ट्स का भी वीडियो स्क्रिप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर आपको 30 सेकेंड्स का शॉर्ट्स चाहिए तो। उसके बाद किलर टाइटल्स, क्लिक पिट टाइटल्स, आपको ऐसे ही ढेर सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आप बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।